वेलकम बैक गाइस टू यूट्यूब चैनल समझ आया क्या। आज का जो फॉर्म है वो इंडियन आर्मी का है और इसमें ऑल इंडिया से सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म 16 अक्टूबर 2019 से शुरू हो चुका है और खत्म होगा 14 नवंबर 2019 को। काफी सारे लोग बोलेंगे कि मैं लेट वैकेंसी बताता हूं। दोस्तों 14 नवंबर के पहले मैं ये वैकेंसी बता रहा हूं तो मेरे हिसाब से ये लेट वैकेंसी नहीं है, आप अभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आज डेट है 10/28/2019। अब मैं बात करना चाहूंगा इस फॉर्म की, उसके पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपको यहां पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जेन्युइन इंफॉर्मेशन यहां पे मिलती रहती है, आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी आप जानते हैं यहां पे नहीं होती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, काफी सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि ये जो टीजीसी कोर्स होता है इसमें एक कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग होती है जो कि 11,952 रुपए पर वीक की होती है, अगर मैं लेके चलूं महीने की तो दोस्तों तकरीबन ये 40,000 के पार चली जाती है। तो ये कॉस्ट क्या आपको अपनी जेब से देनी पड़ती है? जी हां, ये कॉस्ट आपको अपनी जेब से देनी पड़ती है, लेकिन वो एक्सपेंस कौन उठाता है? गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंसेस जो आपको सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग के दौरान खर्चा मिलेगा, उसी में से ये चीजें कटती हैं और उसी में से अगर आपको अपनी जेब से भी देना पड़े तो आपको ये रिटर्न वापस यहां पे मिल जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन सा हमें रैंक मिल जाता है, तो इसमें डायरेक्ट ही आपका लेफ्टिनेंट या उससे अबव ऑन कमीशन जो भी रैंक देना होगा वो आप सबको यहां पर मिल जाएगा। मैं सबसे पहले जरूरी बात करना चाहूंगा इस कोर्स के बारे में कंप्लीटली डिटेल। तो ये अनमैरिड मेल के लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए होता है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए है। तो आपका सवाल होगा कि भैया क्या इसमें अदर ग्रेजुएशन डिग्री वाले अप्लाई कर पाएंगे? मैं आप लोगों को यहां पे बताना चाहूंगा कि अदर ग्रेजुएट डिग्री वाले नहीं अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको एक अच्छी पोस्ट चाहिए, आप चाहते हैं किसी और पोस्ट के लिए, तो मैं आपको प्रेफर करना चाहूंगा आप विजिट करो samajhaiyakya.in के ऊपर। दोस्तों यहां पर आपको अच्छी पोस्ट जो डिफेंस से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन नॉर्मल है, सिविल में सीजीएल की वैकेंसी डिग्री के बेसिस पे होती है ग्रेजुएट, वो अप्लाई कर लीजिए। इसकी डेट 11 नवंबर 2019 है और मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको ये लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहां से अप्लाई कर लीजिए। और जो 10th के लिए होंगे या 12th के लिए होंगे वो इंडियन आर्मी की ये वाली पोस्ट जो है, सॉरी ये वाली जो पोस्ट है टेक्निकल एंट्री 12th के लिए, और 10th के लिए कोस्ट गार्ड के लिए अप्लाई कर लीजिएगा जो कि 30 से फॉर्म शुरू हो रहा है, तो आप इंफॉर्मेशन इसकी ले लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जब आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए एज लिमिट जो है वो 20 से 27 साल होती है एज ऑन 1 जुलाई 2020। आप अप्लाई करना चाहेंगे, लिंक कहां होगा तो मैं आपको बता दूं, हमारी वेबसाइट है samajhaiyakya.in, आप इस पे भी आके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पे इस पेज पे आएंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा, आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि मैंने आपके सामने ओपन की है, इसको कोई डाउनलोड करना चाहता है तो वो भी यहां से कर सकता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अप्लाई करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो देख लीजिएगा। अब हम यहां पर बात करते हैं आगे थोड़ी सी, तो यहां पर अगर हम आगे बात करें क्वालिफिकेशन की, तो देखिए यहां पर इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है किसी भी, और अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। बस आपकी जो डिग्री है वो 1 जुलाई 2020 के पहले पहले तकरीबन यह है सबमिट करना पड़ता है प्रूफ, तो चलिए आप फिर भी अप्लाई कीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 12 वीक के कमेंट्स जो ट्रेनिंग होगी उसके पहले पहले आपको जो इंजीनियरिंग का डिग्री का सर्टिफिकेट है वो भी प्रोवाइड करवाना है। अब इंजीनियरिंग डिग्री में आपको कौन कौन सी इंजीनियरिंग चाहिए तो मैं इसके लिए वक्त बर्बाद ना करते हुए आपको बोलूंगा, आप पीडीएफ के पेज नंबर 8 पे आइएगा, यहां पर आपको इंजीनियरिंग स्ट्रीम मिलेगी। अगर आप सिविल में जाना चाहते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग चल जाएगी और इसमें 8 वैकेंसी आपको मिलेगी। आर्किटेक्ट की वैकेंसी के लिए आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग चाहिए, नीचे मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल आ जाएगी, तो आप लोग प्लीज इसको रीड कीजिए और इसके अंदर आपकी अगर है और आपको लगता है इस वैकेंसी के साथ आपको अप्लाई करना है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। अब मैं थोड़ी और मुद्दे की यहां पे बात पे आता हूं, तो यहां पे आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर अगर 40 पोस्टें मिल रही हैं, आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई फीस नहीं है। अब फीस नहीं है तो यहां पर एक आपको जो डिसएडवांटेज देखने को मिलेगी कि सबका एडमिट कार्ड यहां पर नहीं आने वाला है। अब एडमिट कार्ड किसका आएगा? जितनी ज्यादा हायर परसेंटेज होगी आपको वही आपके जो चांसेस है यहां पर बढ़ा देगा। और सबसे बात यहां पर अच्छी यह है कि आपका कोई भी रिटन टेस्ट नहीं है, यहां पर SSB होगा जो कि टफेस्ट इंटरव्यू है इंडिया के अंदर, मैं आपको बता दूं, जो कि 2 स्टेजेस में चलेगा और 5 दिन के लिए चलता है, जिसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, आपके दिमाग की क्षमता, आप ग्रुप टेस्टिंग, ग्रुप के अंदर कैसे हो, ये चीजें देखी जाती है, इंटरव्यू देखा जाता है, आपका इंटरव्यू होगा ऑफिसर के साथ। और ये जो कोर्स है ये जुलाई 2020 का है। अब इंटरव्यू के लिए SSB के लिए कहां बुलाया जा सकता है? बेंगलोर होगा, भोपाल होगा, अलाहाबाद होगा, कपूरथला होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो आपको याद रखिएगा यहां पे ट्रेनिंग कॉस्ट जो होगी आपकी ट्रेवल की वो भी मिल जाएगी, इस चीज का ध्यान रखिए। सैलरी आपकी स्टार्टिंग में ही 56,100 से लेकर 1,70,500 के बीच में होगी, इस चीज का ध्यान रखिए। ट्रेनिंग प्लेस मिलिट्री अकेडमी देहरादून के अंदर होने वाला है, डिफेंस की जॉब है, इंटरव्यू की डेट अभी कोई मेंशन नहीं हुई है, फिजिकल स्टैंडर्ड
आपकी हाइट वेट मिनिमम 157.5 तो होनी चाहिए, फिलहाल नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन नहीं है तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पहले ही, आप फिर भी चेक कर लीजिएगा। एज लिमिट का हमने बात कर ली है, क्वालिफिकेशन की बात कर ली है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत है। प्लीज आप नोटिफिकेशन को जरूर अप्लाई की रीड कीजिएगा, अप्लाई करने के बाद हो सकता है मैं भी कोई चीज मिस कर गया हूं। और हाँ, ये 131वां टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स है, साल में 2 बार ये वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। अगर आप इस साल अवेलेबल नहीं है इसके लिए, अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो डेफिनेटली अगले साल अप्लाई कीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी और भी वीडियोस के कुछ लिंक मिल जाएंगे इंडियन आर्मी की, अगर आप वो देखना चाहें तो जरूर देख सकते हैं, आपको ज्वाइन करने में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?